आइए साथियों, देखते हैं कौन किसके समकालीन था। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और यह इतिहास का टॉपिक है और इसको हम ट्रिक से देखेंगे और एक बार में आप याद करके जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देके एक बार देख लीजिए, लिख नहीं पा रहे हैं तो कम से कम देख लीजिए, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या है, हरिसेन जो है किसके दरबार में रहते थे या किसके समकालीन थे, क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखना है, इसमें से हमको शब्द को पकड़ना है और इस शब्द को मिलाना है, एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, या लिखा है हरिसेन, मतलब यहाँ शब्द आ रहा है हरि। हरि मतलब क्या होता है, भगवान, जो कि विष्णु भगवान को बोलते हैं हरि, ठीक है। तो देखे होंगे नाग पर भगवान विष्णु जी बैठे रहते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है, नाग पर समुद्र में ही बैठे रहते हैं, ठीक है, समुद्र में, समुद्र गुप्त, ठीक है। हरिसेन, हरि मने हरि भगवान, हरि भगवान किसे बोलते हैं, विष्णु भगवान को, और विष्णु भगवान समुद्र में नाग के ऊपर बैठे होते हैं, देखे होंगे, सीन आपको याद होगा, यही है हरिसेन। तो हरिसेन जो है यहाँ आ गया समुद्र, यहाँ आ गया हरि, तो हरिसेन समुद्र गुप्त के दरबार में रहते थे, सिंपल है, याद हो गया। आइए आगे है, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में, कनिष्क, और यहाँ है नागा अर्जुन, ये भी कनिष्क के दरबार में, और है चरक, ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, तीनों इम्पोर्टेंट हैं, सब इम्पोर्टेंट हैं। लिखा है अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, तो कनिष्क माने हम समझेंगे क्या, कान, कान शब्द इसमें आ रहा है, कान, तो कान देखे होंगे, घोड़ा देखे होंगे, घोड़ा, उसके दोनों कान के आगे अगल बगल ऐसे लगा दिया जाता है, उसका लगता है कान को छुपाया गया है, उसका कान दिखाया नहीं रहा है किसी को, ठीक है, ऐसे लगा देता है, केवल घोड़ा आगे ही देखेगा, अश्व माने आगे ही देखेगा, उसका कान छुपा लिया जाता है कि इधर उधर की आवाज़ को ना सुने, इधर उधर की आवाज चीज़ों को ना देखे, ठीक है। किसके, अश्व, अश्व माने क्या होता है, घोड़ा, और इसके कान को छुपाया जाता है, देखे होंगे दोनों साइड से, ठीक है। तो कनिष्क के दरबार में रहता था आपका अश्वघोष, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है नागा अर्जुन, लिखा है नागा अर्जुन, मैंने यहाँ लिखा है नाग, और नाग का भी देखे होंगे कान नहीं दिखता है, नाग देखे हैं भैया कि नाग, इसका भी कान नहीं दिखता है, सिंपल रहता है, कान आपको दिखवे नहीं करता है। तो नागा अर्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, कान नहीं दिखता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना है। आगे है चरक, और चरक भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, चरक, ठीक है। तो आपने देखा होगा आपके घर में ऐसा कपड़ा होगा, ठीक है, जब फटता है तो उसमें कैसी आवाज़ आती है, चर्रने आवाज़ आती है, इसको यहाँ से हम फाड़ेंगे, फट नहीं रहा है, दम नहीं है इतना, ठीक है, तो चर्रने आवाज़ आएगी, चर्रने करेगा, ठीक है, कर्रने करेगा, चर्रने, ठीक है, ये हमारा कपड़ा है, इसको हम फाड़ेंगे तो इसमें से एक आवाज़ आएगी, चर्रने, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा आपको, कान में सुनाई देगा, चर्र की आवाज़ आएगी, ठीक है, तो कान में सुनाई देगा मतलब कनिष्क, ठीक है, याद हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं। देख, हरि मने भगवान कहाँ पर थे, समुद्र में, अश्व मने घोड़ा, और घोड़ा कभी कान नहीं दिखता है क्योंकि अगल बगल से लगा देता है, ठीक है। नागार्जुन मने नाग, और नाग का भी कान नहीं दिखता है, सफाचट रहता है, तो कनिष्क, कान मने कनिष्क, चरक, चरक मने कपड़ा को फाड़ते हैं, चरदने आवाज़ आती है, आवाज़ हमारे कानों में सुनाई देती है, तो कान से कनिष्क, ठीक है। आगे है साथियों, बाण भट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, बाण भट्ट, लिखा है बाण भट्ट, मतलब बाण से किसी को भट्ट कर दो, मतलब मार दो, तो क्या हो जाएगा, उसका वध हो जाएगा, हर्षवर्ध, तो हर्ष माने क्या होता है, खुशी, किसी के खुशी को वध कर दिया, किससे, बाण से, आ रहा है, सिंपल शब्द है, बाण भट्ट, मतलब दिमाग में जब आप एग्जाम में बैठेंगे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे या किसके समकालीन थे, तब को याद आएगा कि बाण में, बाण से किसी को मारा था, ऑप्शन में सब नाम दिखेगा, तो आपको दिमाग में यही घूमेगा कि किसी का वध किया था बाण से, उसके हर्ष को गम में बदल दिया होगा, ठीक है। तो यह है आपका हर्षवर्धन, ठीक। आइए आगे है, चंद्र बरदाई जो है किसके दरबार में रहते थे,
पृथ्वीराज चौहान के। सिंपल है, सबको पता है, नहीं पता है तो ट्रिक समझ लो। लिखा है चंद्र बरदाई माने चंद्रमा, यहाँ लिखा है पृथ्वी, मतलब चंद्रमा का संबंध किससे हो रहा है, पृथ्वी से हो रहा है, दोनों बात एक ही है, चंद्रमा पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी। तो चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, कह सकते हैं, सिंपल है। आगे है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था या किसके समकालीन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है। अमीर खुसरो कई राजाओं के साथ समकालीन था, लेकिन मेन जो है अलाउद्दीन खिलजी ही। लिखा हुआ है यहाँ पर खुसरो माने खुश होने वाली चीज, खुसरो। लिखा है खिलजी मतलब खिलखिलाना, हंसना, दोनों सेम चीज़ आपको दिख रहा है। अमीर खुश क्यों हो रहा है, यहाँ खिलखिला रहा है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन का चिराग हुए हो गया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ लिखा है अमीर खुसरो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आगे है शेख निजामुद्दीन किसके दरबार में रहता था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था शेख निजामुद्दीन, ठीक है। तो आप देखे होंगे पिक्चर है पद्मावत, उसी में आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी, अलाउद्दीन खिलजी और शेख निजामुद्दीन का उसमें चर्चा किया गया है, ठीक है। ये है मुस्लिम, ये है अलाउद्दीन खिलजी, दोनों सेम चीज़ है, आपको देखेंगे आपको आसानी से याद रहेगा, एक बार लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे है साथियों कालिदास किसके समकालीन थे, अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछता है। यहाँ लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन में आपको आएगा चंद्रगुप्त वन, द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य, कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम इनको नाम दिया गया था विक्रमादित्य, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो कहेगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऐसे भी लिख देगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो किसके दरबार में रहते थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो कालिदास माने काला, काला कहाँ दिखता है आपको, चांद में दिखता है, चांद में, तो हम कह सकते हैं चांद से चंद्रगुप्त, ठीक है। ये हैं द्वितीय, द्वितीय के दरबार में रहते थे। दूसरा तो काला है लेकिन ये दूसरा के दरबार में रहते थे, ठीक है, इनको ही विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो आपको इसको भी साथ साथ में याद करना है कि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में रहते, ठीक है। लिखा है दास यहाँ द्वितीय, ठीक है, बैठा लेंगे आपको याद रहेगा। आगे साथियों उत्वी, उत्वी किसके समकालीन थे, तो महमूद गजनवी के दरबार के कवि थे उत्वी। उत्वी में समझ सकते हैं क्या है, लिखा है उत्वी मतलब ऊट, क्या लिखा है, ऊट लिखा है यहाँ पर, देखिए उत्तवी माने क्या हो गया, ऊट, अब मोहम्मद गजनवी माने हो गया, गज माने क्या होता है, हाथी, ऊट का संबंध हाथी से हो गया, सिंपल है, याद हो जाएगा। महमूद गजनवी माने, गजनवी माने हाथी, उत्तवी माने ऊट, ऊट हाथी, ऊट हाथी, याद रहेगा, पेपर में आएगा आप लगा लेंगे, एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे है जीवक जो कि बिंबिसार के दरबार में रहता था, जीवक, ठीक है, मतलब जीवक मतलब क्या होता है, जीव। लिखा है बिंबिसार मतलब पूरा संसार जो है जीव रहा है, जीवन है, जीवक मतलब जीवक का जीव लेना है तो बम मार दीजिए उसका जीव खत्म हो जाएगा, किसी का जीव लेना है, खत्म करना है तो बम मार दीजिए तो बिंबिसार, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे है अब्दुल हमीद लाहौरी, ये जो है भैया शाहजहाँ के दरबार में रहता था, ठीक है, शाहजहाँ के दरबार में अब्दुल हमीद लाहौरी, आपने देखे होंगे ताजमहल के वस्तुकार कौन थे, यही था अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, तो वहाँ से हम डिनोट करेंगे, आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे है कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, तीनों नाम एक ही का है, इसी को कौटिल्य बोला जाता था, इसी को विष्णुगुप्त बोला जाता था, इसी को चाणक्य बोला जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, आपने देखे होंगे पिक्चर भी देखे होंगे चंद्रगुप्त, ये बहुत सिंपल है, बच्चों को याद भी रहता है। आ गया है ड्यूटी, आगे है साथियों तुलसीदास सूरदास,
किसके समकालीन थे, क्वेश्चन पूछेगा। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सब जो है किसके समकालीन थे, एक नाम कोई इसमें से दे सकता है आपके एग्जाम में। ये सब लोग जो है अकबर के समकालीन थे या अकबर के दरबार में रहते थे कह सकते हैं, ठीक है। कौन कौन, तुलसीदास, सूरदास, तानसेन, बदायूनी, तोडरमल, ठीक है, अब्दुल फजल, बैजू बाबरा और फैजी, ठीक है। ये सब अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। तुलसीदास और सूरदास इसके समकालीन थे, इम्पोर्टेंट है, ये सबको पता भी रहता है क्योंकि इनके नवरत्न आप जानते भी होंगे, इनका नाम आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, याद हो गया होगा, ठीक।